हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सारे लोग ठीक होंगे। और आज मैं छपरा आया था तो सोचा एक ब्लॉग बना लूँ। और अभी मैं सदर अस्पताल के पास हूँ और यहाँ गुप्ता जी का दुकान है जो छोला भटूरा लगा बोलते हैं, बहुत फेमस दुकान है। तो आज हम वहीं मतलब खाएंगे, देखेंगे कैसा टेस्ट है, फीडबैक बताएंगे कैसा है। तो आइए हम लोग चलते हैं। और हम आ चुके हैं गुप्ता जी के दुकान पर, अब आइए चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या होता है। और आप देख सकते हैं अभी सब गरम गरम छना रहा है। भैया जी, एक प्लेट हमारे लिए भी निकाल दीजिएगा। और आप देख रहे हैं जो जैसा होगा आपके सब सामने है। और ये बोलते हैं कि छपरा का सबसे फेमस दुकान है गुप्ता जी का। आप कभी भी छपरा आएँ और आप कहीं से भी हो, एक बार छपरा है तो एक बार इनके पास ज़रूर आके खाएं। और हम भी खा के अपना फीडबैक बताएंगे कैसा लग रहा है। भैया जी, एक हमारे लिए निकाल दीजिएगा। आप देख सकते हैं गर्मा गर्म प्लेट में आ चुका है अपना छोला भटूरा। और फिर हम खा के आपको फीडबैक देते हैं। चलिए आगे मिलते हैं। फिर से हम आ गए भाई, हमने छोला भटूरा खाया भाई, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी। हमारे कहने से तो कोई मानेगा नहीं। आइए हम कुछ कस्टमर लोग से पूछ लें कि कैसा लगा उनको, कैसा नहीं। आइए, हमारे छोटे भाई खा रहे हैं। छोटे भाई, कैसा स्वाद है? तब आप क्या बोलना चाहेंगे कस्टमर से? तब छोटे भाई का कहना है कि आप जब भी छपरा आए एक बार जरूर यहाँ आएँ गुप्ता जी के छोले भटूरे के पास और टेस्ट करें। अब हम सोचते हैं ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करें। और ये जो गुप्ता जी का दुकान है वो आपके छपरा में सदर अस्पताल के साथ मलखाना चौक है, वहाँ पे है। आप देख सकते हैं, ये है मलखाना चौक। यहाँ पे आप आएंगे, कभी भी आएँ तो गुप्ता जी के छोले भटूरे ज़रूर खाएं, बहुत ही टेस्टी है। फीडबैक भी अच्छा है, हमने खा के बताया, हमने खुद टेस्ट किया। आप भी कभी आए तो टेस्ट करें। और हम ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले ब्लॉग में।